नमस्कार दोस्तों, बर्चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये चार पांच टमाटर ले लिए दोस्तों, और पांच छह हरी मिर्च और चार पांच प्याज, अदरक और लहसुन। अब दोस्तों हमने कुकर ले लिया है और कुकर में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो भी दोस्तों हमारे सब रॉ मटेरियल है, इन सबको हम काट के और इसमें डाल दे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी गर्म हो रहा है हमारा, और ये जो हमारे खड़े मसाले हैं वो हमने इसमें डाल दिए। अब दोस्तों डालेंगे इसमें लहसुन, अब डालेंगे दोस्तों इसमें अदरक कटी हुई, टमाटर दोस्तों इसी तरह से तीन चार टुकड़े करके डाल देंगे टमाटर को, ये प्याज और मिर्ची भी दोस्तों हमने इस तरह से काट के डाल दिए इसमें। अब दोस्तों डालेंगे इसमें लाल मिर्च दो चम्मच, और लाल मिर्च के साथ ही डालेंगे धनिया दो चम्मच, दोस्तों इसमें डालेंगे कुछ रोस्टेड चने और मूंगफली, आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे दोस्तों स्वाद अनुसार नमक, और दोस्तों डालेंगे इसमें एक चम्मच तेल, और अब बंद करके इसे पकने देंगे अच्छे से, दो सीटी लगाएंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दो चम्मच सरसों का तेल, दो बड़े चम्मच, और एक बटर की टिकिया इसमें डाल दिए। अब दोस्तों डालेंगे इसमें थोड़ा जीरा एक चम्मच, जीरा हमारा तड़क गया, अब हम एक एक करके पीस इसमें अपने डालने शुरू करेंगे, और ये एक एक पीस हमारा डाल करेंगे इसमें। अब दोस्तों लो फ्लेम पर इसे हम इस तरह से फ्राई कर देंगे। अब दोस्तों 5 से 7 मिनट के लिए इसे इसी तरह से अच्छे से फ्राई करेंगे, हिलाते रहेंगे लगातार, इसे चिपके नहीं, और इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे, इससे सभी तरफ से अच्छे से स्वीकारी जाएगी इसकी। अब दोस्तों डालेंगे इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे हल्दी पाउडर भी अच्छे से इसके साथ पक जाए। ये देखिए दोस्तों, कुकर में अच्छे से ये पका लिया हमने इनको। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे मिक्सी में डालकर ठंडा होने पर। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पेस्ट तैयार कर दिया है, और ये हम इसमें डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, वो हमारी ग्रेवी का पेस्ट है वो हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और ये देखिए दोस्तों, आपका खूबसूरत बटर चिकन तैयार हो चुका है, ये देखिए, और बहुत इजी रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।